बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स के बारे में आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस में डिटेल से पढ़ा होगा। यहाँ पे हम आपको ये बताते हैं कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बेसिकली एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें डेरिवेटिव की जो डिग्री है वो वन है, और ये एक नॉन लीनियर इक्वेशन है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे हम y की कोई भी पावर जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 से ज़्यादा पॉसिबल हो तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इसलिए कहते हैं कि हमें इनिशियल पॉइंट पे वैल्यू गिवन होती है। आपने ये देखा है कि हमारे पास जो इंटरवल है वो ए से स्टार्ट हो रहा है और बी तक जा रहा है। इट मींस कि ये स्टार्टिंग वैल्यू हमारे पास ए, और ए पे हमें जो वैल्यू अल्फा है वो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, ए पे ये वैल्यू हमें गिवन होंगी, बाकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी होंगी। तो हमें ये पता चला कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसके इंटरवल के या डोमेन के इनिशियल पॉइंट पे हमें फंक्शनल वैल्यू गिवन हो, और इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो वो फर्स्ट डिग्री की हो, और इस केस पर्टिकुलर केस जो हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें हमारे पास नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए मेथड्स हम डेवलप करेंगे। अब अगर हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं तो यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू अ फंक्शन, या सिंपली हमें जो y फंक्शन है उसका डेरिवेटिव दिया गया है और हमें बताना है कि y क्या होगा। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट किस्म की डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं जिनमें हमें सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। एक कॉमन क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट डू वी मीन बाय अ सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कंसिडर करते हैं, ये आपने फिजिक्स में भी देखा होगा और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी चैप्टर 3 में सिंपल हार्मोनिक मोशन या चैप्टर 5 में डिस्कस की गई है। ठीक है, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक सॉलिड सरफेस है और उससे हमने एक स्प्रिंग अटैच किया है। लेट से स्प्रिंग का मास m है। अब हमने क्या किया कि इस मास को हमने नीचे की तरफ खींचा, फोर्स यूज की। इस फोर्स की वजह से मास जो है यहाँ पे मूव होके यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब जब हमने यहाँ पे इसको इस पॉइंट से रिलीज किया तो रिलीज होने के बाद ये मास ऐसे ऊपर को जाएगा। अगर हम टाइम के साथ इसको मूव करना शुरू कर दें यार, ये आपको ना फॉल सीलिंग विच मीन्स दैट अगर यहाँ पे हम एक टाइम की डायरेक्शन भी ले लेते हैं, फ्रॉम टी इज इक्वल टू जीरो से मूव हो रहा है और किसी पॉइंट पे जा रहा है, एट एनी टाइम टी दीज आर द लोकेशंस ऑफ द फंक्शन वाई। Let's say this is y naught, y1, y2, up to so on, and this is, let's say, t is equal to, or tn के लेंगे इसको अगर हम, तो यहाँ पे हमारे पास जो y की वैल्यू होगी वो let's say yn आ जाएगी। तो अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को मॉडल कर रही है
उसका सोल्यूशन क्या होगा? उसका सोल्यूशन फंक्शन ऑफ वाई होगा, वाई ऑफ टी, ये इसका सोल्यूशन होगा। और ये सोल्यूशन हमें एट एनी टाइम टी द लोकेशन ऑफ द ऑफ दिस मॉस, ये हमें बता रही है कि y की लोकेशन किस टाइम पे किस जगह पे होगी। लेट्स से y हम कहते हैं कि एट अबाउट 15 मिनट्स, तो यहाँ पे हमारे पास हम देखेंगे कि y की लोकेशन जहाँ पे है। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस जो होती हैं हमें उनका सोल्यूशन हमें एक फंक्शन देता है और वो फंक्शन y है इस केस में। और हम सोल्यूशन से हम ये रिक्वायर्ड करते हैं कि हम एट एनी टाइम t y की वैल्यू फाइंड कर सके। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस होते हैं वो हमें कंप्लीट फंक्शन नहीं देते। आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी है, वहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशंस आते थे वो y ऑफ t एग्जैक्ट सॉल्यूशंस हमारे पास आ जाया करते थे। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा c1 e टू पावर t प्लस c2 e टू पावर माइनस 2t प्लस cos ऑफ t, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाता है। तो ये हमारे पास एक फॉर्म आ रही है सॉल्यूशन की पूरी, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमें किस किस पॉइंट पर सॉल्यूशन चाहिए। तो जिस पॉइंट पर हमें सॉल्यूशन चाहिए होता है, हम अपने इस इंटरवल को जो ए से लेकर बी तक का जो हमारे पास इंटरवल होता है, इसको एन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसा कि यहाँ पे हुआ है, देखिए टी नॉट, टी वन, टी टू अप टू टी एन, तो ये एन पार्ट्स में हमने अपने इस इंटरवल को डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इन स्पेसिफिक पॉइंट पे, टी नॉट पे, टी वन पे, टी टू पे, टी थ्री पे, अप टू टी एन पे, इन सब पे हम उन वाई की वैल्यूज फाइंड करते हैं, वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, अप टू वाई एन, ये सारी की सारी वैल्यूज हम फाइंड कर लेते हैं। तो बजाय इसके कि हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन आए y ऑफ t, हमारे पास अप्रोक्सीमेशन आ जाती है एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ t के। तो ये थोड़ा सा हमने जो कुछ पढ़ना था इसको हमने पहले समराइज कर लिया। और हम करना ये चाह रहे थे कि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड करें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का। ओके, हम सबसे पहले आयलर मेथड्स, जो बहुत ही बेसिक मेथड है और ये अप्लाई बहुत कम होता है क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे एडवांस मेथड्स मौजूद हैं जो कि इनसे इस मेथड से अच्छी अप्रोक्सीमेशन दे सकते हैं। लेकिन उन एडवांस मेथड्स को समझने के लिए हमें ये आयलर मेथड पहले समझना पड़ेगा, ताकि हमें पता चले कि हमने इसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया है। और इसकी इसी कंस्ट्रक्शन को जब हम आगे फर्दर जनरलाइज करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो हमारे पास मोर एडवांस मेथड्स जो है ना वो डेवलप हो रहे होते हैं। जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, इसमें एक और बात है, वो ये है कि डी वाई ओवर डी टी बेसिकली ये एक डेरिवेटिव को शो कर रहा है, डेरिवेटिव ऑफ वाई एट एनी टाइम टी। और डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन हमने थियोरेटिकली पढ़ी है, उसका मतलब ये होता है कि डेरिवेटिव एट अ पॉइंट इज the slope of the tangent line at that point। अगर हम यहाँ पे देखें तो t नॉट पे हमारे पास ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप बनेगा, टेंजेंट लाइन ये आ रही है हमारे पास पूरी, ठीक है, इसका जो स्लोप है इस पॉइंट के ऊपर वो डेरिवेटिव कहलाता है, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y एट t इज इक्वल टू t नॉट। हम इसको समटाइम्स ऐसे भी लिख रहे होते हैं, डी वाई ओवर डी टी एट t इज इक्वल टू t नॉट। तो ये हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव है एट द गिवन पॉइंट। अब हमने ये देखना है कि तो बेसिकली हमारे पास dy वाई ओवर डी टी हर पॉइंट पे, t नॉट पे, t1 पे, t2 पे, ये स्लोप्स देगा हमें। तो पहला स्लोप हमारे पास ये आ गया, जब हम t1 लेंगे इस पॉइंट पे हमारे पास स्लोप इस तरह का आ जाएगा, t2 लेंगे अब इस पे भी स्लोप हमारे पास इस तरह से आ रहा है। तो ये स्लोप को हम यूज़ करके इस फंक्शन को हम अप्रोक्सीमेट करेंगे। इस फिगर के अंदर आपको ये ज़्यादा अच्छा अंदाजा हो जाएगा। देखिए फर्स्ट स्लोप हमारे पास टी नॉट पे आया, फिर टी वन पे स्लोप लिया वो ये आ गया, टी टू पे स्लोप फिर इस तरह से आ गया। ये सारे स्लोप्स को जब हम कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास वो एक अप्रोक्सीमेशन
लाइन जो है या अप्रोक्सीमेट फंक्शन जो है वो हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ओके, तो वी फर्स्ट मेक द स्टिपुलेशन दैट द मैश पॉइंट्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द इंटरवल ए बी, कि हमारे पास जो इंटरवल है ए से लेकर बी तक ये इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो। ए से लेकर बी तक हमारे पास ये इंटरवल गिवन है और हम इसको इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो लेट्स से वी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट इन एन इक्वल पार्ट्स। एन इक्वल पार्ट्स के लिए हमारे पास जो फार्मूला है ये हमने ऑलरेडी यूज़ भी किया हुआ है कि टी आई इज इक्वल टू ए प्लस आई एच। अगर आई की वैल्यू मैं ले लेता हूँ यहाँ पे जीरो, सो यू विल सी कि दिस पार्ट विल बिकम जीरो एंड टी नॉट इज इक्वल टू ए। इसलिए हम ये कहते हैं कि टी नॉट की वैल्यू जो है वो ए के बराबर है। सिमिलरली आई की वैल्यू जब हम लेंगे वन, तो टी वन इज इक्वल टू ए प्लस एच हो जाएगा एंड एच इज द डिफरेंस बिटवीन देम। तो ये हमारे पास टी वन की वैल्यू आ जाएगी। टी वन में आगे आई की वैल्यू जब हम टू लेंगे तो ये हो जाएगा टी टू इज इक्वल टू ए प्लस टू एच। यानी इस पॉइंट ए में एक एच ऐड किया तो टी वन आ गया, टू एच ऐड किए तो टी टू आ गया। इसी तरह जब यहाँ पे हम टी एन लिखेंगे तो हमें ए प्लस एन एच करना पड़ेगा। यानी ए के बाद एन टाइम एन एच ऐड करें तो हम टी एन तक पहुँच जाएंगे। तो सिमिलरली अगर हम ये देखें कि एच की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो एच इज़ बेसिकली बी माइनस ए डिवाइड बाई एन, कि हमने एन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो एच की वैल्यू हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। और अब हम इसको अप्रोक्सीमेट करने के लिए जो थ्योरम यूज़ करेंगे उसको कहते हैं टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम आप ऑलरेडी आप लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया हुआ था, कैलकुलस में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसको मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ, फिर हम इस फंक्शन के हिसाब से इसको लिखेंगे। सो एफ ऑफ, यानी अगर हम जब भी हम फाइंड करते हैं टेलर सीरीज तो किसी पॉइंट के अराउंड फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं एफ ऑफ एक्स नॉट के अराउंड फाइंड करना चाह रहे हैं तो स्टार्ट एक्स नॉट से एक्स नॉट पे लेंगे, फिर एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट एंड प्लस एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स नॉट और एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये जो फंक्शन है इसकी अप्रोक्सीमेशन आएगी जो कि एक इनफिनिट सीरीज की फॉर्म में मूव कर रही है। यानी किसी भी फंक्शन को हम टेलर सीरीज के पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं और किसी पॉइंट के अराउंड इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब ये हमारे पास इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल है, लेकिन चूंकि इन्फिनिट मैंने इन्फिनिट सीरीज है तो हम इस इन्फिनिट सीरीज को लिख नहीं सकते। हम क्या करते हैं, हमें जितनी आसानी हो जितनी ज़रूरत होती है हम उतनी इस सीरीज को कलेक्ट कर लेते हैं। अब अगर इसी फंक्शन को हम वाई और टी की फॉर्म में लिखें तो वाई और टी की फॉर्म में ये फंक्शन हमारे पास आ जाएगा कि वाई ऑफ टी नॉट, अगर हम टी नॉट के अराउंड इसको स्टार्टिंग में एक्सपेंड करते हैं, वाई प्राइम ऑफ टी नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट प्लस वाई डबल प्राइम ऑफ टी नॉट टी माइनस टी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये चीज़ इसी तरह से हमारे पास मूव करती जाएगी और हम किसी भी फंक्शन को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब चूंकि टी जो है हमारे पास ये मूव कर रहा है, टी नॉट जीरो टी नॉट तो हमेशा नहीं लेगा, कभी हमने टी वन पे स्लोप फाइंड कर रहे होंगे, कभी टी टू पे फाइंड कर रहे होंगे टेंजेंट का स्लोप, तो इसका मतलब हमें जनरलाइज करना पड़ेगा। इस टी नॉट की बजाय विल यूज वाई ऑफ टी आई। आप बुक से इस चीज़ को प्रिपेयर कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ समझाने के लिए इन चीज़ों को एक्सपेंड कर रहा हूँ। अगर आपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं आपने तो ये न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन बर्डन एंड फेयर की जो बुक है उसमें इसके टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको नोट्स के लिए मिल जाएगा। बहरहाल यहाँ पे आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं।
अब हम ये करते हैं साथ में इस इन्फिनिट सीरीज को फाइनाइट सीरीज में कन्वर्ट कर देते हैं। जब फाइनाइट सीरीज में कन्वर्ट करेंगे तो बेसिकली y of t इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस वन। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इग्नोरिंग द हायर टर्म्स। ठीक है, एक हायर टर्म्स इग्नोर हमने कर दिया और यहाँ तक अब हम पहुँच गए। अच्छा, ये जो हम सॉल्यूशन को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए अभी आपने देखा है कि टी नॉट इज इक्वल टू ए और जो हमारे पास गिवन है वाई ऑफ ए इज इक्वल टू अल्फा। इस पॉइंट पे हमें ये सॉल्यूशन गिवन है, एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है, यानी वाई नॉट इज इक्वल टू अल्फा जो है ये हमें गिवन है। तो इसको हम दो तीन तरीके से लिख सकते हैं। एक इसको हम वाई ऑफ टी नॉट भी कह सकते हैं और यही वाई नॉट भी समटाइम हम इसको कह रहे होते हैं, तो इन सब का एक ही मतलब होगा। तो अगर कहीं भी आपको वाई नॉट लिखा आए तो आपको समझ आ जानी चाहिए इसका मतलब वाई ऑफ ए भी है और वाई ऑफ टी नॉट भी है। और वाई ऑफ टी नॉट पे जो वैल्यू आ रही है, जो आंसर आ रहा है, वो अल्फा आ रहा है बेसिकली। ओके, अब ये वैल्यू हमें गिवन है, इन इस वैल्यू को हम यूज करेंगे और यूज करके जो हम फाइंड करेंगे वो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आएगी, टी वन की वैल्यू आएगी। तो अगर हम टी आई की वैल्यू इनपुट करें तो हमारे पास उससे अगली वैल्यू हमारे पास आंसर में आनी चाहिए। इसका मतलब है कि इस टेलर सीरीज को हमें अप्रोक्सीमेट जो करना चाहिए वो टी आई प्लस वन पे हमें अप्रोक्सीमेट करना चाहिए। तो इट इज इक्वल टू वाई ऑफ टी आई प्लस वाई प्राइम ऑफ टी आई एंड टी आई प्लस वन माइनस टी आई। अच्छा, यहाँ पे अब एक और बात हमारे पास नज़र आ रही है हमें कि जो डिफरेंस है टी आई प्लस वन माइनस टी आई, इट इज़ बेसिकली इक्वल टू एच, जैसा कि यहाँ पे ये हमें बताया भी गया है। ठीक है, कि दो कंजेक्टिव जो हमारे पास मैच पॉइंट्स हैं उनका डिफरेंस एच की इक्वल है। तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई ऑफ टी आई प्लस वन approximately equal to y of ti plus इसकी जगह पे हमारे पास h आ गया और y prime of ti। y prime of ti इसकी वैल्यू भी हमने फाइंड करनी है। और एक और प्रॉब्लम हमें ये फेस करनी पड़ी जा सकती है बाद में कि चूंकि टी नॉट पे जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है वो वाई है, वाई ऑफ टी हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन है, लेकिन हम एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड नहीं करते, हम अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो अगर वाई ऑफ टी एग्जैक्ट सोल्यूशन है तो वाई ऑफ टी नॉट या वाई ऑफ टी वन जो है हमें ये एग्जैक्ट वैल्यू देगा। तो इसका मतलब हमें नोटेशन चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि y ऑफ t नॉट और y ऑफ t1, y ऑफ t2 ये सब के सब एग्जैक्ट वैल्यू के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो हम कहते हैं कि हम चूंकि अप्रोक्सीमेट फाइंड कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि y ऑफ ti आई इज अप्रोक्सीमेटेड बाई अ फंक्शन ओमेगा i। ठीक है, तो अगर y ऑफ ti आई ओमेगा i के बराबर है तो y ऑफ ti आई प्लस वन ये बराबर होना चाहिए ओमेगा आई प्लस वन के बराबर। इसको मैं आपको यहाँ पे इस फिगर से भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस फिगर में हमने ये चीज़ देखी थी कि सो दिस इक्वेशन विल बिकम ओमेगा आई प्लस वन और जब हमने इसको अप्रोक्सीमेशन में कन्वर्ट कर दिया तो अभी अप्रोक्सीमेशन के लिए हम इक्वल साइन यूज कर लेते हैं। तो ये एक हमारे पास आइट्रेटिव स्कीम में कन्वर्ट हो रही है। तो वाई प्राइम ऑफ टी आई हमारे पास ओमेगा नॉट की वैल्यू होगी जिससे हमारे पास
वो पुट करेंगे तो मेगा वन की वैल्यू आएगी, मेगा वन पुट करेंगे तो मेगा टू की वैल्यू आएगी, लेकिन अभी हमारे पास ये वाई प्राइम ऑफ टी आई की वैल्यू नहीं है। तो अगर हम अपने फंक्शन की तरफ देखें, फंक्शन में हमारे पास था डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी वाई, ऐसे ही था। अब जो ये हमारे पास डी वाई और डी टी है, इसको हम y प्राइम ऑफ t भी लिख सकते हैं, ठीक है, y प्राइम ऑफ t। तो y प्राइम ऑफ t को जब हम कन्वर्ट करेंगे, इट इज इक्वल टू f ऑफ t y। तो सिमिलरली वी कैन राइट y प्राइम ऑफ t i इज इक्वल टू f ऑफ t i, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y ऑफ टी आई, वाई इज अ फंक्शन ऑफ t। तो खाली y भी लिखा हो तो इसका मतलब y ऑफ t ही होता है, और जब हम टी आई पुट करें तो हमें स्पेसिफिकली फिर y ऑफ टी आई लिखना पड़ेगा यहाँ पे। एंड नाउ फ्रॉम दिस कन्वर्जन वी हैव टू राइट f ऑफ t i ओमेगा आई, यानी वाई प्राइम ऑफ टी आई की जगह पे अब हम लिखेंगे एफ ऑफ टी आई ओमेगा आई। ये वापस सब्सटीट्यूट किया, और सब्सटीट्यूट करने के बाद जो हमारे पास अब फाइनल लुक आ रही है वो आ गई ओमेगा आई प्लस एच इंटू एफ ऑफ टी आई ओमेगा आई, और आई की वैल्यू डेफिनेटली हमारे पास ये मूव कर रही है फ्रॉम वन, वन से नहीं, जीरो वन टू से, तो जीरो वन टू अप टू एन, ये जितने पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। जब हमने आई की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, ओमेगा वन इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एच एफ ऑफ टी नॉट ओमेगा नॉट। तो ओमेगा वन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एक ओमेगा नॉट की वैल्यू चाहिए और टी नॉट की वैल्यू चाहिए, फंक्शन हमें ऑलरेडी गिवन होगा। तो ओमेगा नॉट हमारे पास क्या है, अगर हम ये देखें कि ओमेगा नॉट क्या है तो हमें वापस जाना पड़ेगा। ओमेगा नॉट इज इक्वल टू वाई ऑफ टी नॉट, और वाई ऑफ टी नॉट इज इक्वल टू वाई ऑफ ए एंड इट इज इक्वल टू अल्फा, सो दैट इम्प्लाइज ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा, और ये अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा, ये गिवन है, और बाकी टी तो सारी की सारी डोमेन जो है ये वैल्यूज हमारे पास गिवन होंगी। अब ये जो आइटरेटिव स्कीम हमारे पास बनी है इसको हम कहते हैं ऑयलर्स मेथड।